कहा जाता है नारी तू नारायणी। हमारे शास्त्रों में नारी को नारायण की अर्धांगनी कहा गया है, यानी महिलाएं पुरुष की आधी शक्ति मानी जाती है और नारी के बिना नर अधूरा समझा जाता है। लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में नारी को वो जगह नहीं दी जाती जिसकी वो अधिकारी होती है। आज भी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की खबरें सुर्खियां बनती है। आज भी पुरुष महिलाओं को अपने पैर की जूती ही समझता है। वो ये भूल जाता है कि जिसने उसे जन्म दिया वो भी एक नारी ही है। जी हाँ, महिलाओं पर कुछ ऐसा ही अपमानजनक टिप्पणी किया है बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। बाबा ने महिलाओं को खाली प्लॉट तक कह दिया। चौकीवत साहब, हम सही कह रहे हैं? बाबा का यूपी के ग्रेटर नोएडा में भव्य पंडाल लगा तो धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रवचन के दौरान कहा कि महिलाओं की मांग का सिंदूर भर गया हो और गले में मंगलसूत्र लटक गया हो तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है। इसके साथ ही आगे वह कहते हैं कि मान लो महिलाओं की मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं कि भाई ये प्लॉट अभी खाली है। यानी कि वो खाली प्लॉट मतलब जिसका कोई मालिक नहीं, कचहरी के कागज पर जिसके नाम किसी का पट्टा नहीं। आप खुद ही सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं भाई? इन दोनों बाबा ट्रेंडिंग में है और उनके दरबार में लाखों की संख्या के भक्तों का हुजूम उमड़ता है। बाबा पर्चा निकाल कर बिन बताए लोगों की परेशानियां बता देते हैं और उनको समाधान भी देते हैं। लेकिन बाबा इन दिनों हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन साहब, महिलाओं को खाली प्लॉट कहने वाले बाबा के हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति का अंदाजा आप उनके बयान से ही लगा सकते हैं। अब बाबा के बयान के बाद महिलाओं में तो आक्रोश है ही, साथ ही कई नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी बाबा बताकर कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि महिलाओं का घोर अपमान है, इस मुद्दे पर साधु संत क्यों चुप है, वो क्यों धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे। वहीं जाप प्रमुख पप्पू यादव ने भी बागेश्वर बाबा पर जमकर निशाना साधा है। बाबा के बयान पर आग बबला हुए पप्पू यादव ने उन्हें फांसी देने की मांग की है। अब वो छोरा के लिए भीड़ लगा था जिसने कहा है कि लड़की, जो लड़की शादी नहीं किया है वो खाली प्लॉट है। कितना बुरा बात बोला है दुनिया में, उसको तो फांसी दे देना चाहिए। उस छोरा को बोला जो आप जो बोला जेवर पहन लिया है, जो सिंदूर नहीं है वो खाली प्लॉट है। मतलब हमारी बहन बेटी हिंदुस्तान में खाली प्लॉट है और जो सिंदूर पहन लिया, जो चीज पहन लिया वो रजिस्ट्री हो गया। ऐसे लोगों को सीधा ठोक देना चाहिए, किल। पहले भी ऐसे कई बाबा आए जिन्होंने धर्म की आड़ में खूब अपना साम्राज्य बढ़ाया और जब पाप का घड़ा भर गया तो जेल चले गए। अब देखने वाली बात होगी कि महिलाओं के अपमान पर अब सनातनी जागेंगे भी या ये मुद्दे भी अन्य सभी मुद्दों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।